स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन 7 का थर्ड नंबर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हमको क्वेश्चन में दिया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक्स बाय ए माइनस वाई बाय बी इक्वल टू जीरो। दूसरा इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है जिसको हमको सॉल्व करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या दिया है, एक्स बाय ए माइनस वाई बाय बी इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन को हम पहले रिड्यूस करेंगे। तो यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा, ए बी। तो इसको यहां से क्या लिख लेंगे, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई, ये जीरो इंटू ए बी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। फिर दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, दूसरा वाला इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम फर्स्ट और सेकंड वाले में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो मेरा एक्स वाला कैंसिल हो जाए। तो हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में ए से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड वाले में बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन यहाँ से क्या हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई जीरो इंटू ए, क्या हो जाएगा, जीरो। फिर सेकेंड वाले में बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी एक्स प्लस सॉरी माइनस ए बी स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी फिर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी, क्या हो जाएगा, प्लस बी क्यूब। ऊपर से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नीचे वाले का सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया। तो ए बी एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसको हम यहाँ से लिख लेंगे माइनस ए स्क्वायर वाई, अब इसका नीचे वाला साइन है ये, माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू, ये माइनस है ब्रैकेट में लिख लेंगे ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। फिर इसको यहाँ से हम लिख सकते हैं, इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, और वाई भी कॉमन है तो वाई भी कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, तो माइनस ब्रैकेट में बी, इसके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको यहाँ से क्या लिख लेंगे, हम यहाँ से लिख लेंगे y इक्वल टू माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, b। अब इस y इक्वल टू बी को हम क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन हमारा क्या था, ये था x बाय ए माइनस वाई बाय बी इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा x बाय ए माइनस वाई का वैल्यू क्या आया है, b डिवाइड बाय b इक्वल टू जीरो। तो b b से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x बाय ए माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो हम इसको लिख सकते हैं x बाय ए, ये माइनस वन इक्वल टू के उस साइड आएगा तो जीरो प्लस वन यानी वन हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, a इंटू वन यानी a। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ से x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमारा क्वेश्चन 7 का थर्ड नंबर सॉल्व हो गया।
आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।